हेलो फ्रेंड्स मुँ नमिता हांडीशाला चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आउ गोटे पोटल रेसीपी नहीं आसी सीटा हूँ दही पोटल आईटा बहुत टेस्टी रेसीपी बिलीव करें बहुत कम दिन सरे आम ये टेस्टी आइटमटा बनई पारा यहाँ बहुत कम टाइमिंग लगुच्छे से मुझे राति में परठा सहित सर्व करी बहुत टेस्टी लगे यार कम्बिनेसन चलो देखिए कौन सा प्रिपेरेसन कराया पड़ो ये टेस्टी रेसीपी दही पोटल करिया पे मते ए सब सामग्री दरकार आपन देखंतु मो इटे पांचटा पोटल नै छी आ एहा को मझुरु इमिति चारि फाळ कर दे छी बट पूरा फाळ करिनि इमिति टिके जॉइंट रखी छी। गोटे मीडियम साइज रो प्याज को काटिक रखी छी मसला बाटिया पे आ गोटे मीडियम साइज रो प्याज को फाइनली चॉप करिक रखी छी मसला रे कसिबा पे 7-8 खोला रसुण नै छी छोट खंड डालचीनी आ गोटे गुजराती नहीं दी चामच दही को मुझे भल भाव फेंटी दे पूरा स्मूथ देखा जाए देखिपे दही को एमती ही रखा दरकार आउ छोट खंड अदा नहीं हाफ इंच ठार भी बहुत कम अदा नहीं किसी धनिया पत्र नहीं बर्तमान आम मसला रेडी करवा से जो क्यूब करके काटिक रखी बड़ बड़ प्याज पकेबा रसुण आउ अदा को आम भल भाव ये फाइन पेस्ट करके ग्राइंड करदे मसला आमर रेडीगला चलते रोसे स्टार्ट करवा ये आप देखिपे मुझे अलरेडी तेल गरम कर सारी 4-5 चम्मच मुझे तेल नहीं अधिक तेल नौ पोटल को आम भलि भाजवा दरकार से अधिका तेल टे पक पोटल को आम भल भाव भाजवा कभर कर लुण भी स्प्रिंकल करदे टिके हल्दी गुंड पकईदे आल भाव गोलईदे बर्तमान यही पोटल को आम भल भाव भाजवा जमीक पोटल नरम हो लाइट ब्राउन कलर देखा ताने नु आप गैस फ्लेम को हाई करके भाजीदे गैस फ्लेम को लो मीडियम रखु आ स्लोली कुक करूँ जमी पोटलटा पूरा भल भाव सीझीज आप देखिपे पोटल आम भल भाव भाजी सारा बर्तमान मुझे बाहर को काटदे एवं आम तरकारी प्रिपेरेसन स्टार्ट करवा यही तरकारी को मुझे सोरस तेल बनाऊँ आपड़ चाहिए रिफाइंड तेल भी बन पारे मुझे 2 चम्मच सोरस तेल गरम कली तेल गरम है आम पकईदे डालचीनी आ गुजराती आ जो छोट छोट करके प्याज काटिक रखी पकईकि आम यह लो मीडियम फ्लेम भाजवा जमीक प्याजा नरम हो गोल्डन कलर देखा प्याज आमर टे भल भाव भाजी आसला बेलू आम से टे हल्दी गुंड पकईदे टे कश्मीरी चिल्ली पाउडर पकईदे आपड़ चाहिए लंका गुंड रागवाला भी पकई पारे टे धनिया गुंड पकईकि लो फ्लेम 10 सेकंड पर्यटन भाजवा जिते बड़े भी गुंड मसला पकातु से आज गैस फ्लेम को लो रखु ना मसला पोड़ पिता लगे एवं आम बाटिक रखि मसला पकईकि भल भाव गोलईदे बर्तमान आम यही मसलार पकईदे स्वाद अनुसार लुण आक भल भाव भाजवा लो मीडियम फ्लेम जमीक मसलाटा भल भाव भाजी पा सब मसलार मरीज आ पूरा सुखला सुखला हो तार कंचा स्मेलटा पल आप देखिपे मसला आम भल भाव भाजी सारा देखिपमती ही आपर मसला को भल भाव भाजबे जमीक पूरा कंचा स्मेल पल भल भाव भाजी सारापर ही आम से दही पकेबा सबुब दही को पूरा फेंटिक ही पकातु ना आप देखी थे दही दही जो आइटम भी बनातु मसलार जब बिना फेंटिक दही पकाचे देन दाना दाना देखा जाए सेटा जमा भी भल लगे आपत पूरा भलि मिक्स करके मसलार कसतु बिलकुल भी दाना दाना देखा पूरा मसला सहित मिशि आपड़ देखिपे मो दहीटा भल भाव मसला सहित मिसी जाए देखिपना एवं आप डिफरेन्सटा जापारे दही फेंटिक पकेले केमती लगे आ दही फेंटिक न पकेले केमती मसलार देखा जाए एवं चलो आम पा पकईदे मुझे जो गिनारे रखी थी दही से जस्ट टिके पा पकईदे 2-3 चम्मच ही पकेबा बेसी पकेबानी आउ कभर करके लो मीडियम फ्लेम 2-3 मिनिट्स पर्यटन कुक करवा बर्तमान आम 2 मिनिट्स पर लीड ओपन करवा आप देखिपे मसला भल भाव कषि सारा दही मसला पूरा पूरी रेडी सारी बर्तमान लास्ट आम पकेबा पोटल पोटल पकेला परे बर्तमान यह भल भाव गोलई दिंतु बर्तमान यही पोटल को आम
ଏହି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା, ଯେମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପୋଟଳ ମଝିରେ ସବୁ ମସଲା ବି ପଶିଯିବ। ପୋଟଳ ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ପକାଇବା। ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଦହି ପୋଟଳ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇକି ରହେ, ପାଣିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହି ପୋଟଳ ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦହି ପୋଟଳକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ମସଲାକୁ କି ପାଣିକୁ ଟିକିଏ ମାରିଦେବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗ୍ରେଭି ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ମୁଁ ରାତିର ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆମର ଦହି ପୋଟଳ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଦହି ପୋଟଳକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପରଠା, ରୁଟି, ନହେଲେ ଭାତ, ଡାଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହଉ କି ଡିନର ଟାଇମ୍ ହଉ, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ବନାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ହିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।